हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गेट रेडी विथ मी फॉर होली। तो वॉइस ओवर देना पड़ रहा है क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा खेओस होता है मेरे, तो मैं ऐसे बोल के वीडियो नहीं बना सकती, इसलिए मुझे वॉइस ओवर देना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया है स्विस ब्यूटी के रियल मेकअप बेस के हाइलाइटिंग प्राइमर से। तो ये अच्छा एक आपको ग्लो दे देता है। ऑलरेडी आप रात में जाने वाले हो होली का दहन के लिए, तो नाइट मेकअप ये बहुत बेस्ट बना देता है आपका। मतलब दिन में जो ग्लो आता है ना, रात में भी ये सही वाला ग्लो देता है। तो ड्राई स्किन वाले इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑयली स्किन वालों में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि ये थोड़ा ऑयल बेस पर है। बाद में मैं यहाँ पे लगा रही हूँ मेबेलिन का सुपरस्टे फाउंडेशन इन द शेड 125। थोड़ा सा लाइट है ये मेरे पे, उसे टोन डाउन करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी लैक्मे का रोज़ पाउडर। तो यहाँ पे मैंने कंसीलर यूज़ नहीं किया क्योंकि फाउंडेशन बहुत ज़्यादा मेरे हाथ पे आ गया था, तो मैंने उसी से ही कंसीलर की तरह आँख पे भी लगा लिया। बाद में मैंने मेरा पूरा नेक एरिया कंप्लीट कर लिया। नेक एरिया कभी मत भूलना है क्योंकि वो भी चीज़ दिखती है आपको, तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये काला ये गोरा वो काला, ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो टोन डाउन करने के लिए मैंने यहाँ पर लगाया है लैक्मे का रोज़ पाउडर, जो कि सच में बहुत अच्छा पाउडर है, सस्ता है, बहुत ज़्यादा सस्ता है, फिर भी अच्छा कवरेज दे देता है आपको। एंड ब्लेंडेबिलिटी भी देख सकते हो कि क्या सही है। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा फेवरेट आई शेडो पैलेट, वो है हुडा ब्यूटी का मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड। बहुत पसंद है मुझे यार, इसमें से आप वर्सटाइल मेकअप आई शेडो कर सकते हो यार, सही सही लगता है। तो देखो, अब तो मेरे पास वो पैलेट है नहीं हाथ में जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो अगर आपके पास ये पैलेट है तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ कि मैं कौन से कलर्स यूज़ कर रही हूँ। तो जब भी मैंने कलर लिया है पूरे आई लिड पे मैं लगा रही हूँ ताकि एक इवन बेस मिल जाए मुझे, क्योंकि मैंने कंसीलर लगाया नहीं है, तो ऑब्वियसली मुझे एक इवन बेस के लिए कुछ तो कलर चाहिए नीचे ताकि आगे के कलर्स पॉप आउट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरा इवनली आई लिड पे लगा लिया। बाद में वी शेप पे मैंने एक डार्क शेड लगाया ताकि मेरा आई सॉकेट दिखे, ठीक है। आई सॉकेट दिखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी आँखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है जब आप लाइनर लगाते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डार्क कलर लगाया है वी शेप करके, आपको भी वैसा ही लगाना है, बहुत इजी है। बस आपको ब्लेंडिबिलिटी पे ध्यान देना है, अच्छे से ब्लेंड करना है, बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग पे ज़्यादा ध्यान दो तो आपका आई शेडो बहुत अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा लाइट शेड लेके मैंने डिफ्यूज़ कर दिया है हार्श लाइंस को, ताकि ऐसा लगे ना कि मैंने आई शेडो लगाया है, ऐसा लगना चाहिए कि यार नहीं, इसने मतलब सब ये स्किन विद इन सब दिख रहा है। तो यस, आपको हमेशा मेकअप तो मेकअप है यार, कभी स्किन विद इन लगेगा नहीं, आपके लाइंस, आपके फाइन लाइंस, आपके पिगमेंटेशन थोड़ा तो दिखेगा ही दिखेगा। तो पैलेट में से मैंने वाइट शिमर लिया है ताकि आई बॉल पे मैं लगा सकूँ, वहाँ पे ही आपकी स्किन ज़्यादा करके चमकती है, तो हमेशा शिमर शेड वहीं लगाना चाहिए। और अभी आप देख सकते हो कि मेरी आँख कितनी गंजी लग रही है, मतलब कुछ किया ही नहीं है ऐसा लग रहा है ना, बट नहीं यार, डेफिनेशन भी देना पड़ता है, लाइक आईब्रोज़ हो गए, आईब्रोज़ को डिफाइन करना पड़ता है, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आईब्रो तो मैंने यहाँ पर बनाई नहीं है, तो इसलिए मैं अच्छे से फिल आउट कर रही हूँ। और मैं हमेशा ना आईब्रो ज़्यादा डार्क नहीं फील करती, क्योंकि क्या है कि मतलब ओरिजिनल लगना चाहिए, ऐसे फेक नहीं लगना चाहिए। तो हमेशा लाइट फील करो, आपका जो आईब्रो का शेड है आप वही यूज़ करो। देखो, तीन शेड होते हैं, एक ग्रे होता है, एक ब्राउन होता है, एक ब्लैक होता है। मेरा थोड़ा सा ब्राउन शेड पे है, तो इसलिए मैं हमेशा ब्राउन पेंसिल यूज़ करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर मिस क्लेयर की आईब्रो पेंसिल मैंने यूज़ की है, 45 कभी कभी 30 रुपीज़ में भी मिल जाती है नायका पे, तो आप ये परचेस कर सकते हो, कहीं से भी आप ये प्रोडक्ट्स परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छे से करके आपको ब्लेंड करना है। बाद में मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का मैट लाइनर लिया है, ये भी बहुत अफोर्डेबल है, आप ले सकते हो। अच्छे से विंग लाइनर लगाऊंगी मैं, बहुत प्रिसाइजली लगाऊंगी, और थोड़ा सा ना इनर आई कॉर्नर पे भी मैं थोड़ा सा बाहर निकालूंगी ताकि मेरी आई थोड़ी मोरनी जैसी लगे, क्योंकि वो मेकअप जो मैंने आई मेकअप किया है ना, उसी के लिए किया था ताकि मेरी आई पूरी डिफाइन लगे, मेरा एक पूरा आई शेप आ जाए। तो मैं एक आई शेप क्रिएट कर रही हूँ, जो मेरा शेप है उसी से लेगा, लेकिन जो विंग निकालूंगी ना उससे थोड़ा सा और मुझे डेफिनेशन मिल जाएगा मेरे आईज़ पे। तो यस, मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का यूज़ कर रही हूँ, जो कि थोड़ा सा ना मुझे तकलीफ़ दे रहा था। अभी आप देख रहे हो कि मैंने कैसे अच्छे से पूरा डिफाइन कर लिया है, फिर भी मेरी आंखें मुझे अच्छी नहीं लग रही थी इतना लास्ट तक। तो यहाँ पे जो मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ ना, ये कुछ मैरी कॉम का है और ये आपको कहीं भी मिल जाएगा मार्केट में, क्योंकि ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ नहीं किया था।
न्यूड कलर का मैं लगा रही हूँ क्योंकि मेरी आईज़ ऑलरेडी बहुत ब्लिंगी ब्लिंगी लग रही थी, तो मैं ज़्यादा हाई ब्लश के ऊपर जाना नहीं चाहती थी, थोड़ा सा लाइट लाइट ब्लश लगाना चाहती थी। तो यस, मैंने लगा लिया यहाँ पर, बट फिर भी मैं आँखें देख रही हूँ ना, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बार बार मेरी आँखों को देख के। तो क्या करूँ क्या करूँ, ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ अच्छा नहीं किया है। फिर भी हमेशा ना आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट करना चाहिए, ऑलवेज ट्रस्ट योर प्रोसेस। ठीक है, एले कलर्स का मैंने यहाँ पे 2-in-1 जो होता है कॉन्टोर पैलेट एंड हाईलाइटर पैलेट, उसमें से मैंने कॉन्टोर शेड लिया। देख सकते हो कि मैंने पैन हीट कर दिया है, क्या सही मतलब कॉन्टोर करता है। और ना एक चीज़ मुझे बताना कि मेकअप करते वक्त आपको कभी खुजली होती है क्या? मुझे हमेशा नाक की तरफ खुजली होती रहती है, तो पता नहीं क्यों, बट मेरे साथ में हमेशा ऐसा होता है। और ये जो मैंने अभी क्विली, इसका नाम है ये मेकअप फिक्सर का, ये भी मैंने लोकल मार्केट से परचेस किया है। आप भी परचेस कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना स्क्रीन पर से और आप परचेस कर सकते हो। नहीं तो आपके पास जो भी मेकअप फिक्सर है, आपके पास जो भी मेकअप है, आप वो यूज़ करो। ज़रूरी नहीं जो मैं यूज़ कर रही हूँ आप भी वही यूज़ करो, ठीक है। मेबेलिन का मैं यहाँ पर लैश सेंसेशनल मस्कारा लगा रही हूँ, कर्लिंग वाला, सही सही मस्कारा है, मुझे बहुत पसंद आता है ये मस्कारा। मेबेलिन के मस्काराज आर सो गुड। फिर मैंने मैंने बाद में जब मैं आपको बोल रही हूँ ना कि मेरी आँखें गंजी गंजी लग रही है, तो मैंने मस्कारा लगा के देखा कि यार मस्कारा लगा के किसे लग रही है मेरी आईज, थोड़ा सा देखने दो। तो अच्छा लग रहा था मुझे, थोड़ा सा फुलर फुलर लुक आ रहा था, बट फिर भी मुझे मेरी आँख अच्छी नहीं लग रही थी। तो अब क्या करूँ, ऐसा लग रहा था मैं मुँह धो दूँ, मेरे को अच्छा ही नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने देखा नहीं, चल काजल लगा के देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर लगा रही हूँ मेबेलिन का काजल, सेंसेशनल काजल है ये। अब मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार नहीं, मेरा मेकअप अच्छा टर्न आउट हुआ, मतलब धोने की बारी तो नहीं आई, बहुत मेरा मूड ऑफ हो रहा था। फिर एले कलर्स की पैलेट में से ही मैंने हाईलाइटिंग पैलेट ले लिया, हाईलाइटर ले लिया, और उसे अच्छे से हाईलाइट पॉइंट्स पे लगाया, चिक बोन्स पे, नोज़ ब्रीच पे, फिर क्यूपिड बो पे एंड चिन पे। बहुत अच्छा लगा मुझे मेरा मेकअप। उसके बाद में मैंने लगा, यहाँ पे लगा रही हूँ कफ्सन लैशेस की मैट लिपस्टिक, जो कि है इन द शेड डूग्स। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये लिपस्टिक, आपको पता होगा निधि दीदी ने ये ब्रांड निकाला है, और क्या लिपस्टिक्स है यार, ये बहुत सही लिपस्टिक्स है, मुझे बहुत पसंद आई ये लिपस्टिक। सूखने के बाद तो, ड्राई होने के बाद में तो और अच्छी लगती है, 90% ही ड्राई होती है ये, तो मुझे बहुत पसंद है। और ये मेरा मेकअप लुक यहाँ पर कम्प्लीट हो गया है, बट थोड़े से ईयरिंग्स छोटे लग रहे थे मुझे, तो फिर मैंने ईयरिंग्स भी चेंज कर दिए। हेयर स्टाइल मेरी मम्मी ने किया, व्लॉग आ रहा है, व्लॉग ज़रूर देखना, शायद कल परसों व्लॉग आ जाएगा, तो सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। कैसा लगा मेकअप मुझे कमेंट में बताओ यार, और लाइक करो वीडियो को, थोड़ी सी मेहनत लगती है ना, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज यार फ्री है, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।